किशन है। चलो पढ़ाएं, कुछ कर दिखाएं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ढूंढ ली है अक्षर की पहचान। अक्षर असली चीज है, इसमें है संसार। hey! चीजों में से झांकता अक्षर का। सब चीजों में छिपा है अक्षर, आओ करे पहचान। शुरुआत से अंत तक सबका एक निशान है। इसमें अक्षर उसमें अक्षर, अपने हैं सब साथी अक्षर। आओ खेले खेल हमारा, नाम है जिसका अक्षर मेला। जय साक्षरता। अक्षर मेला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पुनर्जन्म की तो कई कहानियां सुनने में आती हैं, न जाने इसमें से कितनी सही होती हैं और कितनी बनाई हुई होती हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि आज हमारे यहाँ आए हुए नवसाक्षी मेहमान, इन्होंने दुनिया के रिवाजों को ठुकरा कर अपने नया जन्म लिया है। मेले भी लगते हैं, सजते हैं, लोग वहां मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। लेकिन इस मेले के बाद हम जब बिछड़ेंगे, हमारे ये मेहमान अपनी पूंजियां साथ ले जाएंगे, उन्हें बढ़ाएंगे और बांटेंगे। आइए मेरे साथ इनका स्वागत कीजिएगा। अब आपको मिलाती हूँ आज की हमारी तीनों टीमों से। तीनों टीमें हैं हिमाचल प्रदेश से, और ये हैं कुल्लू जिला की टीम है ये, और ये है सोलन जिला की, और ये है चंबा जिला की। आइए सबसे पहले मिलते हैं हम कुल्लू जिला की टीम से, और इनकी स्वयं सेवक का नाम है सुरमा देवी। चलिए, सुरमा के साथ आए हैं हुकुम, और ये राकेश, और ये है राधा, और ये है मिंता। ये है हमारी सोलन जिला की टीम, और इनकी स्वयं सेवक का नाम है सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा जी, आप इन्हें कब से पढ़ा रही हैं? मैं इनको 93 से पढ़ा रही हूँ। सुनीता के साथ आए हैं उषा और कमलेश, और ये मीना, और ये है शांति, और ये है हमारी चंबा जिला की टीम, और इनके साथ इनकी स्वयं सेवक है, उनका नाम है आशा, और आशा के साथ आई है ममता, और ये मदन, और ये है हेमराज, और ये हैं डोगरी। चलिए, हमारी तीनों टीमों से आपकी मुलाकात हमने करा दी, अब चल के खेलते हैं अपना पहला खेल जिसका नाम है खोजबीन। भाई मेला तो सजा है, अब मेले में भीड़ होगी, भीड़ में चीजें खोएंगी, यही चीजें आपको ढूंढ के निकालनी है, आपको शब्द ढूंढ के निकालने हैं। हर टीम से मुझे दो जने चाहिए, एक पहचानेगा और एक लिखेगा। सबसे पहले हम आपकी टीम के पास आते हैं, और सुरमा आप मुझे बताएं कि आपकी टीम से कौन खोजेगा, कौन लिखेगा? मिंता बताएगी और राधा लिखेगी। राधा आप जाइए और वहां खिड़की खोलिए, मिंता आप मेरे साथ आइए। चलिए आइए, आप मुझे बताएं आपको पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ जी। आप कैसे इस्तेमाल करती हैं इस पढ़ाई को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में? ऐसे करती है जी, पहले बचपन में मैं पढ़ी नहीं पाई ना, इसलिए फिर मेरी शादी हो गई, फिर घर वाला मेरे को नौकरी वाला मिला, तब चिट्ठी पत्र लिखना अपने दिल की बात में बता नहीं सकती थी किसी को ना, फिर खुद जैसे साक्षरता निकली वैसे फिर थोड़ा थोड़ा सीखे, अब मैं चिट्ठी पत्र लिख लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है मिंता। चलिए, आपको यहाँ खोजने हैं पेड़ के नाम, और ये रही आपकी जाली, और आपका समय शुरू होता है अब। देवदार। देवदार कहा इन्होंने, आप वहां जल्दी लिखते जाइए। शीशम। शीशम, देवदार हो गया, शीशम हो गया, दो और हैं। देखिए देखिए, दाएं से बाएं देखिए, ऊपर से नीचे देखिए। किक्कर। किक्कर, किक्कर कहाँ है? देखिए ध्यान से देखिए, देखिए दाएं से बाएं देखें, बोलिए। देवदार, सिसम, ये दोनों हो गए, दो और हैं। देवदार,
घबराइए मत, बहुत समय आपके पास, बोलिए। देखिए देखिए अक्षरों को देखिए, उस अक्षर से कौन सा पेड़ हो सकता है? आपके ही प्रांत का पेड़ है। हाँ बोलिए जोर से बोलिए। शिमला? नहीं, ठीक ठीक बोलिए। सेमल? सेमल। बस 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 आपका समय खत्म हो गया, आप जाके बैठिए मिंता, बस आप इसे छोड़ दीजिए। अच्छा ये यहाँ इन्होंने लिखा देवदार, ये सही है। ये लिखा इन्होंने शीशम, हम इस मात्रा के नंबर नहीं काटेंगे। तो उनके तीन पेड़ वहां सही और दो यहाँ, इनके हो गए 50 अंक। आपने वहां जो पेड़ छोड़ दिया था उसका नाम था साल। चलिए अब हम चलते हैं इस टीम के पास और सुनीता से पूछते हैं यहाँ कौन खोजेगा, कौन लिखेगा? उषा जी खोजेंगी और मीना जी अक्षर अक्षर लिखेंगी वहाँ पर। चलिए मीना जाइए अपनी खिड़की खोलिए, आप आइए मेरे साथ। अब उषा आपको यहाँ पहचानने हैं घरेलू सामान के शब्द और आपकी जाली है ये। आपका समय शुरू होता है, अब शुरू हो जाइए आप। चलिए घरेलू सामान के शब्द। पालक। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए ठीक ठीक अक्षर पढ़ के जो आपने अभी कहा। की वो पीछे से आवाज लगाएंगे आप सुन लीजिए। दरी। दरी कहा इन्होंने, उससे पहले आपने कुछ कहा था उसको ठीक ठीक बोलिए। पलंग। पलंग बिल्कुल सही कहा, पलंग कहा। आप वापस चली जाइए फिर मीना। चलिए दो और हैं, पलंग हो गया, दरी हो गया, दो और हैं। देखिए नीचे देखिए, दाएं से बाएं देखिए। तकिया। तकिया कहा इन्होंने, और एक और है, जल्दी ढूंढिए जल्दी ढूंढिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मेंजाओ। बोलिए बोलिए बोलिए। मेंजाओ। मेज। मेज बिल्कुल सही बोला इन्होंने, आपका वक्त खत्म हो गया। बस बस आप छोड़ दीजिए, आप बैठ जाइए। उषा आप इधर आइए, आप इधर आइए। चलिए ये दरी सही है, पलक के लिए हम इनकी बिंदी लगा देते हैं, बिंदी के लिए हम अंक नहीं काटेंगे। और तकिया आपने खत्म नहीं किया तो हम नहीं दे सकते। यहाँ दो वहां चार, आपके हो गए 60 अंक। आप मुझे बताइए आप अपने काम काज में क्या करते हैं? काम तो ऐसे घर में ही करते हैं, तो ऐसे मैं मिस्त्री का काम भी करता हूँ। मिस्त्री का काम करते हैं, तो आपको लगता है पढ़ने लिखने से आपके काम में सहूलियत होती है? बहुत सहूलियत हुई। पहले क्या मुसीबत होती थी? ऐसे होता है कई बार जैसे नपाई करनी है तो दिक्कत आनी है, फित्ते का ऐसे पता नहीं लगना भी कितना इंच क्या है। तब हमारे गांव में ऐसे पढ़ने जाते थे हम, फिर उससे हमारे को आसानी से अच्छा काम चल रहा हूँ। अब आपको लगता है कि पढ़ने लिखने से आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है? ऐसे लगता है कि नई जिंदगी मिली पढ़ने से। नई जिंदगी मिली आपको पढ़ने से, इस बात में तो तालियां बजा दीजिए भाई, बहुत अच्छे। चलिए अब हाँ बताइए मुझे आशा कि यहाँ कौन पहचानेगा, कौन लिखेगा? डोगरी देवी जी पहचानेंगे और खेमराज जी लिखेंगे। अच्छा खेमराज आप लिखेंगे, आप जाइए वहाँ पर खिड़की खोलिए और डोगरी आप मेरे साथ आइए, आइए यहाँ आइए। आपको पहचानने हैं अंग के नाम। ये रही आपकी जाली, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जोर से बोलो डोगरी। नाक। नाक कहा इन्होंने? आँख। आँख कहा इन्होंने? मुँह। जोर से बोलो डोगरी। मुँह। मुँह कहा? पैर। चलिए पैर, इनके चारों यहाँ हो गए। आइए बैठ जाइए, आपके पास बहुत समय है, आप आराम से लिखिए और हर शब्द को पूरा कीजिएगा, कुछ खाली मत छोड़िएगा नहीं तो उसके आपके नंबर कटेंगे। नाक, आँख, मुँह और पैर है, पैर भी है। चलिए आप देखिए आपके पास बहुत समय है, बहुत अच्छे। चलिए आप देखिए, फिर से देखिए एक बार, सब सही है। देखिए हाँ ऊपर सही हो गया आपका, ये सही, ये बस 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 आपका समय खत्म हुआ, आप इधर आइए। चलिए हम इस मात्रा के नंबर नहीं काटेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत होशियारी से सारा कर दिया था। नाक, आंख, मुंह, पैर। नाक, पैर, मुंह, आंख, इनके हो गए 80 अंक, बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छी बात हुई। चलिए अब हमारा पहला खेल जो है खोजबीन का खेल यही खत्म होता है, देखते हैं किसको मिले कितने अंक। कुल्लू जिला 50, सोलन जिला 60, चंबा जिला 80।
अब जब हिसाब किताब की बात हो ही रही है, एक हिसाब किताब का खेल भी खेल लेते हैं। अगला खेल हम खेलेंगे जिसका नाम है बही खाता। आप लोगों को अपने अपने बही खाते में लिखना है। हम पहले आपके पास आएंगे और आपकी टीम में जो गणित में तेज है ना उसको भेजेगा ये सवाल पूरे करने। कौन जाएगा सुरमा? राकेश। राकेश आप जाएंगे, जल्दी जल्दी राकेश। और आपका समय शुरू हो गया। अब 45 जमा 25 बने, आप लोग यहां मदद कर सकते हैं उनकी। 45 जमा 25 बने, 90 घटा 37 बने, आप लोग इनकी मदद कर सकते हैं यहां से। हुकुम सोचो। 6 गुणा 11 बने, 8 लगाए, 6 की जगह 8 लगा, 8 नहीं है तो बोलना 8 नहीं है, बोलो नहीं है तो उसका मतलब नहीं जरूरत है। 84 भाग 7 बने, चलिए चलिए, 6 लगा। बस बस आपका समय खत्म हो गया, आप इधर आ जाइए राकेश, इधर आ जाइए। अच्छा आपका पहला 70 सही है, आपका दूसरा 53 होना चाहिए, तो ये गलत है, ये इधर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। और आपका तीसरा बना 66 और आपका चौथा बना 12, वो सही है। तो आपका क्या सही था? 1 और 2, आपके 2 सही हैं और आपको मिलते हैं इसके 20 अंक। चलिए अब यहाँ से सुनीता मुझे बताएं कि कौन जाएगा गणित के सवाल हल जाएंगे। कमलेश जी जाएंगे। चलिए कमलेश आप जाइए। खिड़की खोलिए। पूरी खिड़की खोलिए और आपका समय शुरू हो गया। अब 51 जमा 8 बने, 59। आप उनको बताइए सीधा सीधा, आप नहीं बोलिएगा। 59 ये कह रहे हैं। 59 98 घटा 6 बने, 7 गुणा 9 बने, आप लोग बोलिए इधर। सोचो सोचो मीना। और 48 भाग 12 बने, 63। ऊपर 6 की जगह 5 लगाओ, ऊपर ऊपर आगे इधर नहीं, आगे लगाओ 5। चलो जल्दी करो नीचे आप लगाओ। बस 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 आओ इधर आओ, इधर आओ। ये होना चाहिए था 59, दूसरा आपका सही है 92, तीसरा होना चाहिए था 63 और चौथा था 4, तो इसके आपको सिर्फ हम 10 अंक देंगे। कोई बात नहीं कमलेश, चलिए अब आप मुझे यहाँ से बताइए आशा कि आपकी इधर टीम से कौन आएगा खेल। मदन जी जाएंगे। मदन जी आप जाएंगे। आप खिड़की खोल लीजिए और आपका वक्त शुरू हो गया। अब 34 जमा 9 बने, 34 जमा 9 बने, आप लोग इधर से मदद कर सकते हैं। 4 अलग अलग अंक ना बोले, आप पूरा बोलिएगा। अच्छा 27 घटा 8 बने, 27 घटा 8 19। ये 19 कह रहे हैं, चलिए 15 गुणा 6 बने, चलिए जल्दी जल्दी 15 गुणा 90। और 72 भाग 12 बने, 6 जल्दी जल्दी 72 भाग 12 बने, 6 6। एक और बचा है आपका, उसको छोड़ दीजिए। नहीं नहीं ठीक था अभी, अब बस जल्दी कीजिए आखिरी वाला, 72 भाग 12 बने। ओ बस 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 बस, चलिए आपका पहला 43 है सही है, ये दूसरा आपने सही लिखा था 19 लिखा था, हाँ कोई गिर गया था, हमने ठीक कर दिया आपके लिए, चलिए। और तीसरा आपका 90 सही है, आखिरी आपका गलत है, आखिरी 6 होना चाहिए था, तो हम आपको इसके देते हैं 30 अंक। चलिए हमने आपके बही खाते में लिख लिए आपके अंक, लेकिन अब उन्हें देख तो लें। कुल्लू जिला 70 अंक, सोलन जिला 70 अंक, चंबा जिला 110 अंक। कहीं समय का एक तारा अक्षर अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा।
समय का एक तारा तन नन ना 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 पढ़ लिख लिख पढ़ बन होशियार समझ बढ़े तो पढ़े विचार बड़ा ज्ञान से ना धन दूजा करती दुनिया ज्ञान की पूजा शिक्षा है अनमोल रतन पढ़ने का सब करो जतन ये कहीं समय का एक तारा अक्षर अक्षर दीप जले खेले शिक्षा का उजियारा कहीं समय का एक तारा पढ़ने लिखने का तो मजा ही कुछ और है पढ़ें और पढ़ाएं जीवन में खुशियां फैलाएं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आइए चल के खेलते हैं अक्षर मेला का अगला भाग हमारा अगला खेल है देखी सुनी यानी कुछ सवाल देखी सुनी बातों पर हम सबसे पहले आएंगे आपकी टीम के पास और आप चारों से मैं पूछती हूँ आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे चित्र में दिखाए गए नर्तक किस जाति के हैं किस जाति के हैं ये जोर से बोलिए गुजराती नहीं यहाँ कोई कोशिश करेगा ये किस जाति के हैं कुल्लू जी कुल्लू नहीं ये भी नहीं आप यहाँ बताइए मुझे भरमौर भरमौर नहीं मदन भरमौर नहीं है आप में से कोई जानता है गद्दी गद्दी बिल्कुल सही है चलिए अब आप चारों के लिए एक सवाल है आप मुझे सुनिए कि बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के किस जगह रहते हैं हिमाचल प्रदेश के किस शहर में रहते हैं नहीं फिर से बोलिए धर्मशाला बिल्कुल सही मीना बहुत अच्छे अब आप मुझे बताएं यहां पर कि यमुना के किनारे स्थित सिखों के गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित शहर का नाम मुझे बताएं यमुना के किनारे स्थित सिखों के गुरु गोविंद सिंह द्वारा एक शहर स्थापित किया था उन्होंने उसका नाम बताएं मुझे यहां एक गुरुद्वारा भी है चलिए मैं आपको एक और संकेत देती हूं ये आपके प्रदेश में ही है ये शहर आपके प्रदेश में है नहीं यहां पर कोई कोशिश नहीं करेगा चलिए हम आपके पास वापस आते हैं आपके प्रदेश में है ये शहर गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थित किया गया हाँ बम्बई क्या बम्बई नहीं वो तो बिल्कुल गलत है राकेश हिमाचल प्रदेश में बम्बई कहाँ से हो गया वो तो गलत है ना आप यहाँ बताइए मुझे यहाँ कोशिश करेगा कोई हाँ पांवटा साहिब बिल्कुल सही पांवटा साहिब बहुत अच्छे चलिए अब वापस ये मुझे आप लोगों से सवाल करना है लाहौल और स्पीति को बाकी प्रदेश से जोड़ने वाला रास्ता का नाम बताएं मुझे जीन हाँ जीन जीन नहीं गलत रास्ते का नाम क्या है नहीं गलत है ये आप लोगों के लिए आप लोग और अंक ले सकते हैं मुझे बताएं पर्वत 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 नहीं नहीं और कोई कोशिश करेगा हाँ नहीं आप लोग यहाँ कोशिश करना चाहेंगे क्या नाम है उस रास्ते का ये बहुत मशहूर रास्ते हैं रोहतांग जोत जोर से बोलो रोहतांग जोत बिल्कुल सही रोहतांग पास चलिए ये सवाल आप चारों के लिए हैं अच्छा अंग्रेजी सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हिमाचल के किस शहर में थी शिमला फिर से बोलिए शिमला शिमला बिल्कुल सही है अच्छा आप लोग ये तस्वीर देखिए चंबा में मनाए जाने वाले त्योहार का नाम बताइए इस त्योहार का नाम बताइए मिंजर मिंजर बिल्कुल सही है अब हमारा देखी सुनी का खेल यही खत्म होता है देखते हैं इनके कितने अंक मिले कुल्लू जिला 70 अंक सोलन जिला 100 अंक और चंबा जिला 130 अंक अब आ गई बारी 12 खड़ी की तो आराम से बैठ के सोच समझ के बड़े बड़े अक्षरों में लिखिएगा
एक एक जना जाएगा आपकी टीमों से और जो शब्द है उसके अक्षर और उसकी मात्राएं इस्तेमाल करके दूसरे शब्द बनाएगा। पहले हम आते हैं आपकी टीम के पास और आप मुझे बताएं कि यहाँ से कौन जाएगा बाराखड़ी खेलने। राकेश। चलिए राकेश आप जाइए, यहाँ से कलम उठाइए और आपके शब्द भी आपको दिखाते हैं। और आपका शब्द है नामावली और आपका समय शुरू होता है अब। नाम। जोर से बोलो हुक्म। नाम। बली। वहां के अक्षर देखिए और फिर बोलिए। नब। माना। बहुत अच्छे। नाब। सोचो हुकम, सोचो। बाल। वहां देखिए अक्षर कौन से हैं, फिर बोलिएगा। नब। नब। सोचो राधा। मली। माली। चलो हुकुम सोचो। नाली। बहुत अच्छे। चलिए बस 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 आपका समय खत्म हो गया राकेश, आप आओ इधर आओ। चलिए नाम वली वाली नम नव माना नाव माली नीम मानी नाली सारे सही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपको मिलते हैं 110 अंक। मिटा दो। सुनीता आप मुझे बताएं यहाँ से कौन जाएगा बाराखड़ी खेलने। उषा जी जाएंगी। उषा जी आप जाएंगी। बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे अक्षर में लिखेगा और ध्यान से सुनिएगा अपने साथियों के साथ। चलिए जल्दी जल्दी जाइए, तैयार हो जाइए। और आपका शब्द है मानहानि और आपका वक्त शुरू हो गया अब। हानि। हानि। माना। मीना बोलो जोर जोर से। माना। माना कह रही है मीना। नहा। नहा। नाम। नाम। हम। हम। हीना। आप भी बोलो ना जल्दी। हीना। मीना। ना मीना। नीम। नीम। चलिए बहुत समय है, सोच समझ के लिखिएगा। चलिए नाम। अभी 20 सेकंड है आपके पास। सोचो मीना। मन। मन। हन। हन। आप इनको बोल के बोलिएगा, ऐसे नहीं बोलिए। नाना। मामा। बस 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 लाइए उषा। मान हानि माना नहा नाम हम मनी नीम ये दोबारा हो गया, मन सही ये दोबारा हो गया और ये नाना। तो आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, आपके हो गए 100 अंक। और आप यहाँ से मुझे बताइए आशा जी कि कौन आएगा आपकी टीम से बाराखड़ी खेलने। मदन जी जाएंगे। मदन जी आप जाएंगे। चलिए लीजिए कलम और आप जाइए और अपने शब्द का इंतजार कीजिए। आपका शब्द है सदाचारी और आपका समय शुरू हो गया अब। चारी। दास। जोर जोर से बोलो। दास। चार। चार कह रहे हैं ये। आप लोग जितना बोलेंगे उतना ये लोग घबराएंगे। ये रीचा कह रहे हैं। रीचा। आप ही बोलो, आप ही सोचो। रीचा। रीचा बोल दिया हमने। जोर से बोलो। सादा। सादा। और सच। सच कहा इन्होंने। दरी। दरी भी कहा इन्होंने। और चलिए सोचिए अभी 10 सेकंड हैं आपके पास। सारा कह रहे हैं ये। सारा। और चलिए सोचिए सोचिए। बस रुक जाइए आप, बस चलिए। सदा चारी दास चार सादा सच
दरी, सारा, सारे सही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके हो गए 80 अंक। अब देखते हैं किसकी हुई आज इस खेल में जीत। हमारे तीसरे स्थान पर हैं कुल्लू जिला 180 अंक लेकर। दूसरे स्थान पे हैं सोलन जिला 200 अंक लेकर। और आज के विजेता हैं चंबा जिला 210 अंक लेकर। तो खत्म हुआ आज का ये मेला, लेकिन सिर्फ ये खेल का मेला, क्योंकि जो अक्षरों का मेला आप लोगों ने सजाया है वो तो कभी नहीं उजड़ सकता। तो आइए और नई जिंदगी का गीत मेरे साथ गाइए। आप लोग बताइए। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। ख ख ग ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ख ख ग ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों।